अरे ऋतिक भाई यार शाकिब अल हसन तो चल गया कैसे भाई लोग उसको ले नहीं रहे थे यार मैंने कहा उसको अपनी फैंटेसी टीम का कैप्टन बनाया और लोगों ने अगर टेलीग्राम चैनल फॉलो किया हो हमारा ज्वाइन किया हो जहा पर सारे मैच की टीम आती है तो यार उन्होंने अच्छे खासे कैश प्राइजेस जीते होंगे एक सौ चौहत्तर पॉइंट जो बता रहा था तू तो फैंटेसी वाले मेरा मार्ग वोट दो सौ दस पॉइंट दे गया मेरे को इंग्लैंड ओमान का रात को मैच हुआ था भाई बारह बजे उठ के मैच देखा मैंने अरे हमने टीम दी थी यार यारेग्राम पे दी थी टेलीग्राम पे भी टीम दी बिल्कुल बिल्कुल ज्वाइन किया था भाई रात को बारह बजे के बाद जो पूरा वैसे तो मैं चला नहीं सर वो फोर्टी सेवन पे तो ऑल आउट हो गई सो हाँ. so, तो मैं टाइम से गया पर लेकिन जो मार्कवुड पॉइंट देके गया दो सौ दस फैंटेसी पॉइंट हाँ. और तीन विकेट लेके गया उसके ऊपर वो बहुत बढ़िया चीज थी मेरे लिए साथ ही साथ आदिल रशीद मेरा था। आदिल रशीद ने भी, भी तो चैनल जिन लोगों ने किया सीजी फैंटेसी शो का, उनको हुआ मुनाफा उन्होंने कैश प्राइजेस। क्योंकि हम दोनों ने जो टीम पोस्ट की थी वो हो गई एकदम सक्सेसफुल साथ ही साथ प्रेडिक्शंस जो ऋतिक भाई मैंने प्रेडिक्शंस दी थी वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड की मैच की जिसमें सब लोग कह रहे थे न्यूजीलैंड है डार्क है वापसी करेगी मैंने वेस्ट इंडीज को बैक किया था वो भाई भाई मेरी सही गई है है जो डार्क हॉर्स कहने वाले अब उनको जो है काला घोड़ा पीछे पड़ गया था ना वेस्ट वाला तो असली काला घोड़ा था वेस्ट इंडीज अब वो जीत गया हमारे सवाल के लिए भी वो जीत गया जो हमने सवाल रखा था कि वेस्टइंडीज विल विन अगेंस्ट न्यूजीलैंड वो सही हो गया हमने येस पर जो है इन्वेस्ट किया था वहां पे हम वहाँ जीत गए और इवन जो पहले हम जीते थे सूर्य वाली में कि वो पचास या नहीं पचपन वाली जो थी वो कि या से ज्यादा रन कोई बल्लेबाज बना पाएगा नहीं बना पाएगा तो इस पर हमने नो किया था सूर्य बना गया पचास नो डाउट होगा तो, हम हो तो लगातार हमारी सही हो रही है पर लेकिन उसके लिए क्या करनी पड़ेगी जहां पर हम अपना दिल दिमाग डेटा वगैरह लगा रहे हैं और जैसे मैं इंग्लैंड और रोमन वाला मैच देख रहा था लाइव देखते देखते कैसे मैं जो है लाइव जीता रियल कैश जीता लाइव और उसके बाद सारी चीजें करी मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे हुआ ही जाकर डिवर्सिफाई कैसे हुआ ये सारी चीजें जो है हमने

तो पे हो रही है, बरसात पे हो रहा है तो धुल भी गया तो इंडिया कि जब हम इस टीम के बारे में डे में, में, तो में क्या लेके आज तो ऋतिक भाई मार्केट्स ऑफ द डे में मेरे पास है बहुत सारी प्रेडिक्शंस कौन सी टीम आज मैच जीतेगी कैसे आपके प्लेयर्स फेवरेट प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे आपको मैं बताने जा रहा हूं मार्केट्स ऑफ द डे के प्रेडिक्शंस के बारे में मार्केट्स में मैं एंट्री ले रहा हूं थ्री थाउजेंड रुपीज के इन्वेस्टमेंट के साथ जो यूजर्स हमारे देख रहे हैं इस शो को वो अपने बैंक रोल मैनेजमेंट के साथ ही इन्वेस्टमेंट और एंट्री ले सकते हैं तो स्पोर्ट्स बाजी ऐप के प्रिडिक्टर सेगमेंट में पहला क्वेश्चन जो मुझे स्क्रीन पर दिख रहा है वो है इंडिया विल विन द टी मैच अगेंस्ट कैनेडा तो ऋतिक भाई यहाँ पर तो जो यस yes no पे है वो प्राइस है नाइन और नो पे है जीरो जो प्राइस आ रहा है ना यस पे वो सारी चीजें बयान कर देता है और आंख बंद करके आंख पे पट्टी लगाकर या अंधेरा करके जैसा भी जो भी करना चाहो अंधेरे में आप वो अलग बात है पर लेकिन आंख पे पट्टी लगाकर आप यस कर दो कनाडा के खिलाफ इंडिया ही जीतेगा ऑब्वियस सी बात है अब देखो कहानी बनाने को तो और भी कहानी बना लो अब इसकी कहानी बनाओगे क्या इंडिया वर्सेस कनाडा की भाई कनाडा जो है एज कम्पेयर टू टीम इंडिया कमजोर टीम है हाँ ज़रूर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ एक आध विकेट लेके उलटफेर किया था पर लेकिन इंडिया के खिलाफ तो चांस नहीं है जीतने का और वैसे तो भाई बरसातें इतनी हो रही है फ्लोरिडा में इतना फ्लड आ रहा है तो मैच हो जाए पहले तो वो बहुत बड़ी गनीमत है हो गया तो इंडिया जीतेगी मेरे हिसाब से तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इंडिया विल स्कोर 53 और मोर रन इन सिक्स यहाँ पर यस पे भी है फाइव और नो पे भी है फाइव तो भाई मेरे हिसाब से तो हाँ टीम इंडिया बना सकती है छे ओवर में त्रेपन कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप पिच रिपोर्ट देखो लॉर्डर फ्लोरिडा की तो बैटिंग के लिए काफी अच्छी है तो छे ओवर में यहाँ पर अगर आप जो मेरे को बता रहे थे छे ओवर में इनका जो एक एवरेज स्कोर जाता है वो कितना था एवरेज स्कोर स्कोर था 61 साथ साथ ही सामने जो जो पावर प्ले का मैंने आपको बताया उसके साथ एक चीज और ऐड कर दूं यहाँ का जो स्कोर है एवरेज वो है 198 तो 198 तो में स्टार्ट तो बहुत अच्छा मिलना चाहिए साथ ही साथ हमारे जो ओपनर है रोहित शर्मा विराट कोहली जिनको अभी अपनी फॉर्म की तलाश है वो शायद कैनेडा के सामने अपनी फॉर्म वापस ले आए। ले सकते हैं और अटैक भी कर सकते हैं और बहुत बड़े चांसेस है अटैक करने के और इवन जो टीम पहले बैटिंग करेगी तो वो ध्यान में रखेगी डीएलएस स्कोर भी exactly. जो पहले बैट करेगी और तेज गति से से रन बनाएगी तो तो मेरे हिसाब ओवर में लग सकते हैं यस yes. यस तो भाई मैंने पर, यहां कर दिया, यहां पर मैंने जो एंट्री लिया अपने स्वाइप अगला क्वेश्चन जो दिख रहा है फाइव रुपीज का और नो पे भी प्राइस है फाइव रूपीज का तो ऋतिक भाई आपके एनालिसिस क्या कहते हैं मेरा जो दिल दिमाग और डेटा है जो मेरा एनालिसिस है वो ये कहता है कि हाँ जरूर ले सकते हैं इंडियन टीम के खिलाफ यहाँ पर कैनेडा खेल रही है तो इंडियन टीम के गेंदबाज हैं फुल फॉर्म में इवन अगर आप बात करो आप चाहे अर्शदीप की क्योंकि यूएस के खिलाफ वो चार विकेट अपने नाम करके आए हैं और इवन आप हार्दिक की बात करो तो हार्दिक ने भी जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है पाकिस्तान के खिलाफ भी किया है आयरलैंड के खिलाफ भी किया है तो अगर आप इवन बड़ी टीमों के खिलाफ तो वो फॉर्म में है ही हैं छोटी टीम के खिलाफ भी आयरलैंड यूएस मतलब इस वर्ल्ड कप में तो छोटी टीम की तरह प्रदर्शन नहीं करा वैसे देखो तो एसोसिएट मेंबर है ही है और कनाडा उनसे थोड़ी सी कम हम आकेंगे यूएस और आयरलैंड से हाल फिलहाल में तो उनके खिलाफ ले ही लेंगे हमारे तेज गेंदबाज यानी कोई ना कोई तीन से या तीन से ज्यादा विकेट ले ही लेगा तो इस पर आप येस कर देते हैं कैनेडा के जो बॉलर्स है जैसे हेलिंगर है साथ साथ जेमिनर गॉर्डन है उनको भी आप हल्के में नहीं ले सकते वो जैसे हमारे जो ओपनर्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो तीन विकेट वो भी ले सकते हैं लेकिन हमारा जो सवाल है उस पर हमने यस पे एंट्री प्लेस किया है और यहाँ पर मैंने अपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया है टू और यहां मैंने अपने क्वेश्चन को कर दिया है स्वाइप सेगमेंट का आखिरी सवाल यह रहेगा कि एनी प्लेयर विल स्कोर 60 और मोर यस पे भी जो प्राइज है वो है, और नो पे है वो भी फाइव रुपीज है यार मैं इस पे नो पे एक तो क्योंकि मौसम बड़ा खराब है और हो सकता है कि बीच में बारिश आ जाए और जो है खेल ख़राब हो जाए इस वजह से तो मैं नो पे इन्वेस्ट करूंगा क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है वैसे अगर आप पिच देखो तो पिच के हिसाब से बंस तो सकते हैं कोई एक बल्लेबाज बना सकता है साठ या साठ से ज़्यादा रन पर मेरे हिसाब से मौसम का कोई भरोसा नहीं है। तो नो पे इन्वेस्ट करूंगा मेरा सीनरियो ये कहता है अगर मैच अगर पूरा होगा तो कोई भी बल्लेबाज सिक्सटी और मोर रन बना सकता है खासकर इंडियन टीम की तरफ से लेकिन जो बारिश और जो फ्लड्स की जो सिचुएशन अभी दिख रही है तो मैं भी नो पे जा रहा हूं और यहां पर मैंने अपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए हैं टू और मैंने यहाँ अपने कॉन्टेस्ट को स्वाइप कर दिया तो मार्केट ऑफ द डे की सारी की सारी बात हो गई प्रिडिक्टर में जो जो सवाल थे सारे के सारे हल हो गए पर लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ रहा है वो है आज के बाजीगर जिसमें हमने सबसे ज्यादा अपनी विनिंग्स कमाई है जो हमने शाकिब अल हसन को कैप्टन बनाया था उसमें जो है आपने 174 पॉइंट्स कमाए थे वो यहाँ पर आपने टीम में अपने ऐड करे थे उनको तभी तो कैप्टन बनाया था तभी तो आपको पॉइंट्स मिले जब दुनिया को भरोसा नहीं हो रहा था आपको भरोसा हुआ था यही तो यहाँ पर इंस्टिंक्ट चाहिए अपनी पूरे तरीके से और मैंने मार्क वुड को इंग्लैंड वर्सेज ओमान मैच में कैप्टन बनाया था तीन विकेट ले गए

मैच में भी अच्छी गेंदबाजी करी और उनका फॉर्म इस वर्ल्ड कप में शानदार रहा है बॉलिंग में चलते हैं बॉलिंग में ले रहा हूं मैं कनाडा की तरफ से जेरेमी गॉर्डन को क्योंकि उन्होंने पिछले दो मैच में अपनी फॉर्म को बरकरार रखा है और साथ ही साथ हमारे पेस एस जसप्रीत बुमराह अर्शदीप सिंह मोहम्मद सिराज कैप्टन रहेंगे मेरे हार्दिक पांड्या और वाइस कैप्टन रहेंगे मेरे जसप्रीत बुमराह हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने का रीजन यही है कि हार्दिक पांड्या अपने चार ओवर पूरे करेंगे और अगर उनकी बैटिंग आती है तो वो अच्छे रेट से स्कोर

जो करूंगा मैं ऑब्वियस सी बात है उनका मैं करूंगा लॉन्ग में स्टॉक पिक बुमरा का का हार्दिक का भी पर लेकिन रविंद्र जडेजा फॉर्म में तो वैसे भी चल नहीं रहे आते हैं जो है पिच को असेस नहीं कर पाते और बल्ला फेंक देते हैं मेरे हिसाब से वो उनका मैं उनका शॉर्ट पे इन्वेस्ट करूंगा क्या कहता है इस बारे में एक स्टॉक जो मैं लॉन्ग में लेना चाहता हूँ ना भाई आपने जो आपकी प्रोडिक्शन बिल्कुल ठीक है लेकिन एक स्टॉक जिसको मैं बैक करना चाहता हूँ वो है हैलिंग अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे हैं और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और मुझे लगता है जब हमारे बैट्समैन उन पर अटैक करेंगे लास्ट के ओवर्स में, ओवर्स में में डेथ तो एक दो विकेट तो मेरे लिए दे जाएंगे और जो मेरा स्टॉक प्राइस है वो हाई कर जाएंगे इवन जेरेमी गॉर्डन को भी आप जो इनका स्टॉक है ना वो लॉन्ग में पिक कर सकते हैं क्योंकि मिडल ओवर्स में और डेथ ओवर्स में इनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है पिछले कुछ मैचों में और जबरदस्त गेंदबाजी करी थी इन्होंने आयरलैंड के खिलाफ भी तो मिडिल ओवर्स में हमारे बल्लेबाजों को आउट करने में अगर

वो आज ये है कि अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा ओपनिंग करने आएंगे अब उनके लिए ये मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है सुपर एट में फॉर्म exactly. हासिल करने के लिए सुपर एट से पहले बेसिकली तो अगर वो दोनों कितने रन बनाएंगे इन टोटल अगर हमारी ऑडियंस बता दे कनाडा के खिलाफ कितने रन बनाएंगे वो दोनों इन टोटल दोबारा मैं बोल रहा हूँ उनके नाम की स्पेलिंग सही होनी चाहिए और जो जितने रन बनाएंगे इन टोटल वो दोनों उनकी डिजिट्स न्यूमेरिक जो डिजिट्स होंगे वो सही होनी चाहिए और उन्होंने सही और प्रिसाइस डिटेल बता दी तो इनको मिलेगा रुपीज़ कैश बोनस प्राइस पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है अभी टर्म्स एंड कंडीशन मैं बता देता हूं टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आप लोगों को आंसर साढ़े सात बजे हमारे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है जहां आपको बाकी मैचेस की टीम मिल जाएगी एक चीज और बता दू आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्पोर्ट्स बाजी ऐप की लिंक दिख रही होगी लिंक में आपको जो प्रोमो कोड दिख रहा है टीबीसी टू हंड्रेड प्रोमो कोड यूज करना है और फ्री मेगा लीक की टिकट आप लोगों को मिल जाएगी तो मिल जाएगी सारी चीजें मिल जाएंगी पर लेकिन एक और जगह पर ज्वाइन करना पड़ेगा तभी सारी चीजें मिलेंगी वो है टेलीग्राम टेलीग्राम को जो है आधी डिटेल आपने बता दी टेलीग्राम के बारे में आधी डिटेल मैं बता देता हूँ कि टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा जो कि एंड मिनट अपडेट्स होंगी और जो प्लेइंग इलेवन में कुछ चेंजेस आते हैं जैसे टीम इंडिया इस मुकाबले में करेगी कुछ ना कुछ तो चेंज करेगी तो एंड मिनट अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन करने से पता लगेगी दूसरी चीज जो है ये जो सी जी फैटेसी स्ट्रेटजी ऊपर नाम लिखा है ना इसी नाम का चैनल भी यहाँ पर ये वीडियो पोस्ट होगी फॉर ऑब्वियस रीजन तो जिनको नहीं पता जो नए हैं हमारे इस पेज पर हमारे इस YouTube चैनल पर उनको मैं साफ तौर से यही बात बता रहा हूँ कि चैनल है इस नाम का इसको जाके आप सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बेल आइकन क्योंकि जब ये वीडियो पोस्ट होना तो आपके फ़ोन में घंटी बज जाए टिंग ऐसे करके तो वहाँ पे सब्सक्राइब कर दो तो फिर चले अभी भाई के बारे में बताना कुछ एक आखिरी बात जो मैं अपने स्पोर्ट्स बाजी यूजर्स को बताने जा रहा हूं वो ये है कि टेलीग्राम चैनल पर जो आगे क्वेश्चंस ऐड होंगे मैच में लाइव मैच के दौरान वहां पे भी आपको प्रोडिक्शन मैं आप बताने वाला हूं तो मेरे साथ जुड़े रहें तो फिर मिलते हैं अगली बार अगली वीडियो में टिल देन बाय बाय